नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि रोज की तरह आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो लेकर आई हूँ कुछ किचन के ऐसे यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स, जिन्हें देखने के बाद आपको ये कहना ही पड़ेगा कि काश ये टिप हमें पहले पता होते। एक से बढ़कर एक टिप है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो अगर जरा सा भी अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज का ये यूजफुल वीडियो हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज का जो पहला टिप है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। दोस्तों, कई बार क्या होता है, जब हम कुकर धुलते हैं या कढ़ाई धुलते हैं या कोई भी बर्तन धुलते हैं और तुरंत के तुरंत हमें उसमें कुछ ना कुछ पकाना होता है, और जब हम उसे पकाने के लिए गैस पर उसको चढ़ाते हैं तो आपने देखा होगा उसमें बहुत सारा पानी होता है, और ऐसे ही हम क्या करते हैं, बर्तन को चढ़ा देते हैं, जिससे उसे सूखने में काफ़ी सारा टाइम वेस्ट होता है और दोस्तों इससे हमारी गैस भी बहुत ज़्यादा खर्च होती है। तो कभी भी आप इस तरह के गीले बर्तनों को अगर गैस के ऊपर चढ़ाते हैं तो एक छोटा सा ट्रिक बता रही हूँ, जिससे आपके जो बर्तन है बहुत जल्दी से सूख जाएंगे और गैस भी बहुत ज़्यादा कम लगेगी। तो देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो दोस्तों जितना भी पानी है कोशिश कीजिए कि उसको आप अच्छे से निकाल दें। ये देखिए, इसके निकालने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, गैस को यहाँ पर ऑन कर लेना है, और ऑन करने के बाद देखिए हम क्या करते हैं ना, सीधा बर्तन रखते हैं, तो आप सीधा बर्तन मत रखिए, ठीक है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, इससे दोस्तों बहुत जल्दी से बर्तन गर्म हो जाता है और पानी भी सूख जाता है। ये देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर गैस को ऑन किया और इसको इस तरह से उलट कर रख दिया। अब 1 सेकंड के लिए रखिए बस, इसके बाद कोई भी सूखा कपड़ा लीजिए और इस तरह से आप कर दीजिए, ठीक है। जितना भी पानी होगा वो तुरंत के तुरंत भाप बन के उड़ जाएगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं कुकर एकदम सूख गया है। ट्रिक तो दोस्तों छोटा सा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा काम का है, गैस भी कम खर्चा होती है और बर्तन भी जल्दी से गर्म हो जाता है। आई होप दोस्तों ये छोटा सा ट्रिक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो चलिए फटाफट से अगला ट्रिक देखते हैं। दोस्तों, कई बार क्या होता है, हमारे घर में कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिन्हें हमें बीच में यूज़ करने की आदत होती है, मतलब कोई सिरप हुआ, बच्चे को बुखार आ गया, तो हम क्या करते हैं उस सिरप को बीच में दे देते हैं, मतलब डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। लेकिन दिक्कत सबसे ज़्यादा क्या आती है, सिरप हुआ या कोई भी मेडिसिन हुई, उसकी जो एक्सपायरी डेट होती है वो थोड़े दिन के बाद मिटना शुरू हो जाती है, और इसके बाद दोस्तों उस दवाई को यूज़ करते हुए भी हमें डर लगता है। तो कई बार क्या होता है दोस्तों, इस तरह के जो सीरप हैं उनमें आपने देखा होगा पानी वगैरह से हम धुल देते हैं तो जो एक्सपायरी डेट होती है ना वो मिट जाती है। तो आपको ये दिक्कत के सामना ना करना पड़े, इसलिए आपको क्या करना है, जब भी आप कोई भी दवाई लेके आए ना, आपको क्या करना है, इस तरह से दोस्तों उसका ना फोटो क्लिक करके रख लेना है। ये देखिए, मैं यहाँ पर आपको बड़ा करके भी दिखा रही हूँ। इस तरह से आप रख लोगे ना तो एक तो आपको पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी, साथ ही इसकी अगर एक्सपायरी डेट मिट भी गई है फिर भी आप आराम से देख पाओगे कि ये जो सिरप है इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर पड़ी हुई हैं, मतलब हर चीज़ आप क्लियर करके इस तरह से देख सकते हो। जिसकी आंखें कमज़ोर है ना, इस तरह से जूम करके भी देख सकता है। बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक है दोस्तों, एक बार यूज़ करके ज़रूर से देखेगा। आई होप दोस्तों ये छोटा सा आइडिया भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा। अगला ट्रिक है मेरा दोस्तों यहाँ पर कंघे को लेकर। कई बार ऐसा होता है, हम कहीं भी जाते हैं बाहर तो किसी दूसरे का जो कॉम है वो हमें यूज़ करना पड़ता है। अब कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके सर में खुजली होती है, या फिर बहुत सारे जू होते हैं, या फिर दो मुँहे बाल होते हैं, बहुत सारे बालों की जो दिक्कतें होती हैं वो होती हैं, और उनका जो कंघा है उसे यूज़ करते हुए हमें बहुत ही ज़्यादा घिन आती है और हमें क्या करता है, मजबूरी में वो कंघा यूज़ करना पड़ता है। तो एक बहुत बढ़िया सा ट्रिक बता रही हूँ, कभी भी आपके सामने ये सिचुएशन आ जाए तो आप ना एक काम कर लीजिएगा, इस तरह की पॉलिथीन लगभग हर घर में आपको मिल जाएगी। इस तरह से पॉलिथीन लेने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इस कंघे को पहना देना है, और पहनाने के बाद इस तरह से ये देखिए आपको ना इसको खींचना है। जब आप खींचेंगे ना तो इसमें ये जो इसके दांत बने हुए हैं ना, इससे क्या होगा ना, पॉलिथीन निकल जाएगी, और जो एक्स्ट्रा पॉलिथीन आप देख रहे हैं ना, इसका आपको क्या करना है दोस्तों, इसको आपको इस तरह से देखिए कट कर देना है। इससे आप बहुत ही आसानी से किसी दूसरे का भी कॉम यूज़ कर सकते हैं। एक तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, ठीक है, जो भी परेशानी उनके बालों में है वो आपके बालों में नहीं होगी, और बहुत ही आसानी से आप इसे यूज़ कर पाओगे। चलिए मैं आपको यूज़ करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको क्या करना है, अपने बालों को अच्छे से कॉम कर लेना है, और इसके बाद ये जो पॉलिथीन है ना, इसी को इस तरह से देखिए समेटते हुए आपको निकाल देना है। जो भी बाल इसके अंदर फंसे होंगे ना वो भी निकल जाएंगे, और आपको कोई भी इन्फेक्शन वगैरह का जो डर है वो भी नहीं होगा। बस इस तरह से इस पॉलिथीन को आपको निकालना है, और जितने भी बाल इसके अंदर हैं उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए आपको क्या करना है, इसको डस्टबिन के अंदर फेंक देना है। है ना दोस्तों, कमाल का आइडिया, तो एक बार ट्राई करके जरूर से देखिएगा। तो चलिए फटाफट से अपना अगला यूजफुल ट्रिक भी देख लेते हैं। अगला जो ट्रिक है दोस्तों वो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। दोस्तों, कई बार हमारे पास कुछ ऐसी चप्पल होती हैं जिनमें आपने देखा होगा उनके जो पैर हैं, मतलब जो नीचे की तली रहती है ना,
यहाँ पर ये देखिए जो इस तरह से खाने खाने से बने होते हैं ना, वो एकदम घिस जाते हैं। चप्पल बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, लेकिन इस तरह से इसके जो खाने हैं वो घिस जाने की वजह से, मतलब इसका जो एक ग्रिप है वो ख़त्म हो जाने की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा फिसलती हैं। तो इस तरह की अगर चप्पल आपके पास है जो बहुत ज़्यादा मजबूत है, पुरानी हो चुकी है, आपका बिल्कुल भी उसे फेंकने का मन नहीं है, लेकिन उसकी इस तरह से जो ग्रिप है वो ख़त्म हो चुकी है, तो आप घर पर भी इसकी बहुत ही अच्छे से ग्रिप बना सकते हो। इसके लिए देखिए आप क्या करना है, आप क्या कीजिए ना, इस तरह का कोई भी बेकार सा चम्मच ले लीजिएगा जो आप यूज़ ना करते हो। इसके बाद आपको क्या करना है, गैस पे इसको अच्छे से गर्म कर लेना है, ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इस तरह से इसकी जो तली वाला पार्ट है ना, इसमें ये देखिए चम्मच से इस तरह से आपको क्या करना है, निशान बना देने हैं। गर्म चम्मच होने की वजह से बहुत ही आसानी से इसमें जो निशान है वो बनते चले जाते हैं। इसी तरह से दोस्तों दोनों चप्पलों में हमें अच्छे से ये देखिए इस तरह से पूरी चप्पल में निशान बनाकर तैयार कर लेने हैं। इससे आपको जो पुरानी आपकी चप्पल है जो कि काफी मजबूत है, उन्हें फेंकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आपकी जो चप्पल है बिल्कुल भी फिसलेगी नहीं। ये देखिए मैंने इस तरह से दोनों चप्पलों में बना दिया है और ये चप्पल आप कितना भी पहनिए ना तो ये फिसलेगी ना ही ये टूटेगी। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से आप अपनी पुरानी चप्पलों को यूज कर सकते हैं। ट्रिक छोटा है लेकिन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। आई होप दोस्तों ये वाला ट्रिक भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट से अपना अगला ट्रिक देखते हैं। हमारा अगला ट्रिक भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है, वो है हमारे इस तरह के ग्रेटर को लेकर। कई बार हमारे जो इस तरह के ग्रेटर होते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं या बड़े वाले होते हैं ना, उनके आपने देखा होगा धार बहुत ज़्यादा कम हो जाती है या बहुत ज़्यादा वो गंदे हो जाते हैं। तो एक छोटा सा ट्रिक बता रही हूँ, वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगा और दोस्तों काम भी बहुत आएगा। यहाँ पर आपको लेना है सिल्वर फॉइल, और सिल्वर फॉइल लेने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह से इसका ना एक गोला बनाकर तैयार कर लेना है। आप जो यूज किए हुए सिल्वर फॉइल है ना, उनका भी यूज कर सकते हैं, जो बच्चे वगैरह के टिफिन में बच जाते हैं ना, तो उनको आप यूज कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको लेना है दोस्तों यहां पर टमाटो केचप, ठीक है। आप देखिए बच्चों की थाली में कई बार क्या होता है, टमाटो केचप बच जाता है, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर इस तरह से मेरी तरह से थोड़ा सा टमाटो केचप इसके ऊपर डाल दीजिएगा, ठीक है। और थोड़ा सा आपको क्या करना है, यहाँ पर जो शैम्पू होता है ना वो डाल दीजिएगा, बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर लेना है ये देखिए जो सिल्वर फॉइल का टुकड़ा हमने यहाँ पर गोल गोल किया था ना, इसी को लेने के बाद आपको इसके ऊपर अच्छे से इस तरह से रब करना है। इससे हमारे दो फायदे होंगे, एक तो इसकी धार बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगी, साथ ही आपने देखा होगा इस तरह से जो ग्रेटर होते हैं ना, उनको यूज़ करते करते उनमें बहुत सारी गंदगी लग जाती है, साइड में पीले पीले से निशान हो जाते हैं, तो वो निशान भी खत्म हो जाएंगे। आप ये ट्रिक यूज़ करके ज़रूर से देखिएगा, आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है ग्रेटर। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको अच्छे से यहाँ पर इस तरह से देखिए चमका दिया है, आप देख ही सकते हैं कितने अच्छे से ये क्लीन हो चुका है। बस इसको आपको क्या करना है, अच्छे से वॉश कर लेना है। दोस्तों ये जो छोटे छोटे ट्रिक होते हैं वो हमारे काम को तो आसान बनाते ही बनाते हैं, साथ ही हमारे पैसे भी बचाते हैं। ये देखिए दोस्तों मैंने इसको अच्छे से धुल दिया है और आप देख सकते हैं हमारा जो ग्रेटर है एकदम चमाचम चमक गया है और इसकी धार भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, है ना दोस्तों, एकदम कमाल का आइडिया। तो एक ट्राई करना तो बनता है। तो आज की इस यूजफुल वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको अच्छे लगे होंगे। कौन सा वाला टिप आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा है मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो कल फिर से मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।